हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में जानकारी दूंगा। इस ईयर 2022 में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे वो इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होंगे, और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के विभिन्न कोर्सेज़ के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि योगा एंट्रेंस एग्जाम, इंटीग्रेटेड बीएन एंट्रेंस एग्जाम, फॉरेन लैंग्वेज के एंट्रेंस एग्जाम और अन्य सभी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे संयुक्त प्रवेश परीक्षा से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले होंगे, इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है में स्नातक स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUET के आधार पर दाखिले होंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो ग्रेजुएशन और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की जानकारी है अभी, तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो एडमिशन्स होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो एडमिशन होंगे वो CUET के बेस पे होंगे। परीक्षा जो है ये जुलाई के पहले सप्ताह में होगी, एंट्रेंस एग्जाम जुलाई के पहले सप्ताह में होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि सत्र 2022-23 से राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA स्नातक और परास्नातक जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए CUET का आयोजन करेगी। विश्वविद्यालयों के पात्रता मानदंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और 12वीं बोर्ड के अंकों का प्रवेश पर असर नहीं होगा। UGC ने के डायरी में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय आते हैं, तो यहाँ पे जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं, इनमें जो एडमिशन होगा ये एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होगा। कुमार ने बताया CUET में NCERT के 12वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि CUET के कारण विश्वविद्यालयों की आरक्षण नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे, संयुक्त प्रवेश परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन होंगे, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, योगा एंट्रेंस एग्जाम, MPH एंट्रेंस एग्जाम, इंटीग्रेटेड BEd, BEd एंट्रेंस एग्जाम, फॉरेन लैंग्वेज एंट्रेंस एग्जाम और अन्य सभी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।